नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शिवान से संवाददाता अनुराधा गुप्ता की खास रिपोर्ट। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पर और देखिए अनुराधा जी की खास रिपोर्ट। सदर ब्लॉक में जहां भंटा पोखर पंचायत है, वहां के मुखिया श्री ममता देवी जी हैं और उनके प्रतिनिधिकर्ता उनके ससुर व दिलीप कुमार माझी हैं। उनके साथ हम रूबरू होंगे और जानेंगे कि होली के पर्व पे, होली के त्योहार पे, यहां की माना जाता है कि होली का जो पर्व है हिंदुओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण त्योहार होता है, लेकिन ये कोरोना काल को देखते हुए उनसे गाइडलाइन क्या मिली है और क्या वो अपने लोगों को देना चाहते हैं और किस तरह से होली मनाई जाए, किस खुशहाली के साथ में मनाई जाए, हम रूबरू होंगे उनके साथ में। सर अपना नाम बताएं। सबसे पहले आज न्यूज के सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि सामने हम लोग का होली का पर्व आ रहा है और इसी में हमारे मुस्लिम भाई लोगों का भी उसके बाद स्टार्ट होने वाला है। ये पर्व का मतलब मंथ हिंदुओं के लिए और मुस्लिमों के लिए शुरू हो रहा है, जैसे कि अपना पहला होली आ रहा है। इस तरह से पहले हम लोग समाज के लोगों दीपावली मनाया जाता है, उसी तरह से सर्वे बारात का पर्व मुस्लिम भाई लोग मनाते हैं। मैं सबसे पहले उन लोगों को तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। उसके बाद 29 तारीख को हम लोग का होली का पर्व मनाया जा रहा है। सर ये उन लोगों के लिए भी मान लीजिए जो अपना गाइडलाइन जो सरकार के द्वारा हुआ है कि सैनिटाइजर मास्क वगैरह और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में होली मनाए, तो ये जो मुस्लिम धर्म के लिए जो इस सुबह रात आया हुआ है तो उन लोग के लिए भी ये गाइडलाइन होगा कि भाई वो अपने भी त्योहार को ध्यान में रखते हुए। देखिए सरकार का जो भी कार्यक्रम चलता है वो सबके लिए, इसमें हिंदू और मुस्लिम के लिए नहीं होती है। अब जहाँ तक बात सोशल डिस्टेंसिंग का है तो हमको नहीं लगता है कि इनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा। इसलिए फिर भी सर इसमें सैनिटाइजर वगैरह मास्क का तो मतलब पालन कर ही सकते हैं। सैनिटाइजर का तो करीब करीब अभी भी सब लोग यूटिलाइज करते हैं, लेकिन मास्क लगाने का ये जो पर्व है ना, मास्क लगाने वाला पर्व नहीं। मास्क लगाएंगे तो फिर होली अभी कैसे लोग मनाएंगे। इसलिए हमारे ख्याल से हमारे बिहार में अभी उतना प्रभाव नहीं है, कोरोना का ज़्यादा प्रभाव नहीं है, सभी लोग अभी ठीक ठाक से हैं, बीमारी हमारे यहाँ बहुत कम। जबकि कोरोना काल में जब चरम सीमा पे कोरोना था तब भी बिहार मतलब आगे था, सब राज्य से भी आगे था, यहाँ पे कोरोना नहीं उतना हो पाया। नहीं हो पाया, कोरोना से लड़ने में बिहार सबसे आगे था। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा पालन हुआ था, लॉकडाउन का भी पालन हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग स्वस्थ और ठीक ठाक स्वस्थ और मस्त थे। हाँ, स्वस्थ और मस्त थे। ठीक है सर, और भंटा पोखर के लिए और सीवान सदर ब्लॉक प्रखंड के लिए आप अपने जनता जनार्दन को होली के पर्व के क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस पंचायत के तरफ से अपने सारे पंचायत वासियों को मैं तहे दिल से उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और होली का त्यौहार जो है खुशी खुशी से मने, किसी तरह का घटना दुर्घटना न हो, यही हम चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं। इसमें सर ये आता है कि रंग गुलाल जो होता है, रंग गुलाल इससे थोड़ा सा परहेज करना चाहिए लोगों। रंग गुलाल का ज़्यादा इस्तेमाल न करें तो बेहतर होगा, क्योंकि उससे केमिकल होता है, केमिकल होता है, होता है, इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। इसमें अबीर जो आता है सर उसमें अबीर थोड़ा बहुत लगावे, हमारे जनता से तो आग्रह यही रहेगा कि उसका इस्तेमाल कम करें। होली त्यौहार मनावे, धूमधाम से मनावे, रमजान का महीना भी है उसमें भी लोग हमारे वो तो शांति प्रिय पर्व है, उसमें भी वो लोग हमारे ईद आने वाला है, ईद के लिए हम मुबारकबाद देना चाहते हैं।
अपने मुस्लिम भाई को, तो भाईचारा संबंध भी बना के रखे, चाहे कहीं हिंदू पर्व हो चाहे मुस्लिम पर्व हो, कहीं झगड़ा फसाद न हो, इसके लिए हम चाहते हैं शांति व्यवस्था। चाहे हम लोग का मीटिंग भी था कल, सभी थाना प्रभारी लोग अपने यहाँ इसका शांति कैसे बहाल रहे, होली में सब बारात में ईद में, इसके लिए कल हम लोग का थाना प्रभारी की यहाँ मीटिंग भी था। और उस मीटिंग में हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम अपने अपने पंचायत में इसी तरह का अपरेंस नहीं होने देंगे। ठीक है सर, आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। और सर, आपका अभी जो पंचायती चुनाव आने वाला है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी, उसमें कहना जरूर चाहेंगे कि 5 साल जो हम लोगों का बीता है उसमें हम बहुत सहयोग अपने गांव वासियों के द्वारा हमको सहयोग मिला है, और हमने जो भी सरकारी मद का पैसा आया था उसको बहुत ढंग से हम लोग सुचारू रूप से उसका खर्चा किए हैं। नल जल का जो हर घर नल का जल उपलब्ध कराने का जो काम हुआ है, तो हमारे पंचायत में 14 वार्ड है और सभी वार्ड में नल जल का काम हमारा चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, इसमें किसी तरह का बाधा नहीं है। और बाकी 14वीं और 13वीं वित्त का जो भी पैसा आया था वो सब नली गली में खर्चा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। विकास से लोग हमारे पंचायत के संतुष्ट हैं, और थोड़ा थोड़ा हम लोग को बाधा मिला है पदाधिकारियों के द्वारा। नीतीश कुमार जी का जो कार्यक्रम चल रहा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारे पदाधिकारी लोग हैं इसमें ये लोग बहुत तरह तरह के अपना फैला वार्ड और मुखिया को लड़ाने का काम पदाधिकारियों के द्वारा किया गया, जबकि ऐसा समन्वय बना करके रखने का आदेश पदाधिकारियों के द्वारा होना चाहिए, जो नहीं हो पाया, जिससे मुखिया भी नाराज़ हैं और वार्ड भी नाराज़ हैं। लेकिन सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ है हमारे पंचायत में, काम हुआ है सही ढंग से। फिर मैं चाहूँगा, अपने जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अगर हम लोगों से कोई त्रुटि हुई है तो उसको माफ़ करेंगे, और आने वाले दिन में भी हम लोगों को सहयोग करने का काम करेंगे। यही हम आशा और विश्वास रखते हैं अपनी जनता से। पंचायत की जनता सम्मानित जनता है, उनको वोट देने का अधिकार है, उनको अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, बढ़िया से वो लोग मदद करें। हम उनको दुख सुख में हमेशा साथ रहे हैं और साथ देने का वादा भी करते हैं कि हमसे आज तक कोई त्रुटि नहीं हुआ है हमारे देखने में, लेकिन हर 5 उंगली बराबर नहीं होता, इसलिए लोगों का अगर कुछ हमसे नाराज़गी है तो सामने सामने बात करके उसको निपटाया जा सकता है। मतलब सामने सामने वार्तालाप हो तो उसका निष्कर्ष निकाला जाए। निष्कर्ष निकल सकता है, कहीं ऐसा हमारे पंचायत में कोई ऐसा काम नहीं बच गया है कि अब काम कराया जाए। अगर काम है भी तो बड़ा बड़ा काम है जो पंचायत के अंतर्गत ही। तो सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं आप? मैं सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार का सहयोग मिलता रहे हम लोग को। छोटे छोटे गांव में झगड़ा होता रहता है, जो पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे सरपंच को मुखिया को कोई सहयोग नहीं मिलता, प्रशासन के द्वारा सहयोग नहीं मिलने के कारण तरह तरह के केस वहां थाना में चला जाता है पंचायत से। इस पर सरकार का विचार होना चाहिए कि कैसे किस तरह से काम हो पंचायत के। जब तक हम लोग तो निहत्था आदमी हैं, हमारे पास कोई फोर्स नहीं है, तो हम लोग कैसे लोगों का समस्या का समाधान करेंगे। हमारे घंटा पोखर एक गांव है जिसमें एक पानी बाढ़ में पूरा गांव गिर गया था, और एक आदमी दो आदमी की वजह से पूरा गांव प्रभावित हो गया था। प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिला, जिससे मारपीट हुआ बहुत कुछ, फिर उसको नाला नाले बना करके उसका समाधान किया गया। इसी तरह से सहयोग मिलते रहना चाहिए प्रशासन, यही चाहते हैं। मैं सरकार से और सर ने दिलीप कुमार माझी ने बताया कि प्रशासन के द्वारा इनको कोई सहयोग नहीं मिलता है, तो इनका अपील है सरकार से कि उन्हें प्रशासन के द्वारा
सहयोग मिले और आने वाले पंचायती चुनाव में अगर इन्हें जनता फिर से अपने पद पे लाती है तो ये अपने जनता के लिए बहुत ही सुचारू रूप से कार्यकलाप करेंगे और जनता के दिलों में बसेंगे। इनका यही अपील है। मैं हूँ अनु गुप्ता, आरबी न्यूज लाइव के साथ। तेज सबसे आगे, खबरें देखे सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।